वैसे मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि हम शादी वक्त पर ही कर लेते हैं। अच्छा है, घर में कुछ रौनक हो जाएगी। नहीं, तुम फारिग हो जाओ, फिर देखेंगे। वैसे भी ये घर इस वक्त कोई तमाशा अफोर्ड नहीं कर सकता। तमाशा करने वाले अब शहर में रहे ही नहीं, तो तमाशा कैसा होगा? हाँ भाई, कौन नहीं रहा शहर में? कोई नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि जब से मम्मी जी सारा के घर से आई हैं, काफी परेशान लग रही हैं। कहीं उन लोगों ने रिश्ता खत्म तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। राइड आ गया, पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का, फोन भी ऑफ है। मैं देखता हूँ राइड को, तुम भी रेस्ट कर लो थोड़ा। प्लाज्मा थी तो आप कहाँ हैं? आपको तो पता ही है, इन लोगों पे कितने भी एहसान कर अपने फायदे के लिए रिश्ता बिल्कुल खत्म करके चले जाते हैं। मुरव्वत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। लेकिन वो तो आपके यहाँ टीचर। हाँ हाँ, मगर इन गरीब लोगों के ख्वाब इस तरह पूरे नहीं होते इज्जत की कमाई से। कहीं और पैसे ज्यादा मिले तो चली गई। और इसकी दादी, वो कहाँ है? उन्हें भी साथ ले गई। आराम, आज तो खुशी में रात भर नींद ही नहीं आएगी। फाइनली माँ पारा और उसकी दादी इस शहर से दफा जो हो गए। भाई, मैंने तुम्हें अभी कहा है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, पूरी रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। ये हसीन लम्हात मैं अपनी आंखों में कैद करना चाहता हूँ। Come on, like, what's wrong with you? और घर वाले? मैं मॉम को बता दूंगा कि मैं आपकी अनारकली के साथ। और उन्होंने कुछ कहा तो? वो कुछ भी नहीं कहेंगे, उन्हें सब पता है। क्या पता है? उन्हें ये पता है कि अनारकली दीवार में चुने जाने से पहले अपने शहजादे के साथ थी। लेकिन अनार के लिए चुनवाई तो दीवार में ही गई, उसका अंजाम तो बुरा ही हुआ ना। यार माँ पारा पर बॉसिस, प्लीज रोमांटिक माहौल में ऐसी अफसोसनाक बातें मत किया करो, तुम पूरा मोमेंटम जो है ना डाउन कर देती हो। अच्छा चलो, इस बात को छोड़ो, बस ये तो पूछो कि मैंने फिल्म क्यों देखी। क्यों देखी? मैंने फिल्म सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में देखी। तो मर गई थी। वाकई रंग महल में रहने वाली माँ पारा को तुम सबने मिलकर मार दिया था। एक और धोखा, एक और झूठ। मैं
कौन था? ये वो तो नहीं था। अगर वो था तो उसका चेहरा सूरज की तरह ताबनाक क्यों नहीं था? और उसकी आंखें, उनमें तो चांद की कहकशा क्यों नहीं थी? ये तो कोई आम सा शख्स था, बिल्कुल आम सा। आज इतने वक्त बाद उसे देखा तो ऐसा लगा उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं जिसे देखकर कोई दुनिया भूल जाए, अपनी इज्जत, इज्जत नफ्स सब मिट्टी में मिला दे। राहत अभी तक आया नहीं। आपने कॉल की थी? हाँ बेटा, मैंने कितनी मरतबा कॉल की, अब अगर उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है तो ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, जब रायद आएगा तब खा लेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम खाना खाओ आराम से और फिर हाजरा के पास जाओ, वो कब से अकेली है। लेकिन आप तो शुरू करें, ये ले। सुहेल, तुम्हारी माँ रायद के बगैर खाना खाने वाली नहीं, लेकिन कोशिश कर लेते, चलो शुरू करो। आगे रायद। आप तो निकाले रायद, आ जाओ, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, अभी शुरू नहीं किया हमने खाना। आ जाओ बेटा। रायद, बेटा इतनी देर कर दी, सब खैरियत है ना? I'm not in the mood. रायद, तुम्हारे डैड कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। हर बात का जवाब मैं क्यों दूं? क्या हो गया तुम्हें? नहीं, सारे जवाब मैं क्यों दूं, कोई और क्यों नहीं दे सकता जवाब? क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो? तबीयत ठीक है तुम? नहीं, मैं पागल हो गया हूं, मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, ले जाए मुझे, फिक्स कर दे कोई अपॉइंटमेंट। बोले कि रायद अपनी इमेजिनेशन में जीता है, आपको पानी पानी को मिट्टी समझता है। स्टॉप इट, हो गया, देखो तो सही से सुहेल। रायद, देखो अगर किसी ने कुछ कहा है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ हमें। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। आई जस्ट वॉन्ट सम प्राइवेसी, इज दैट टू मच टू आस्क फॉर? अब मैं जाऊं? क्या हो गया ऐसे, ये क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है? फरीद बता रहा था कि ऑफिसर को देखकर इसे गुस्सा आ गया था। कौन सा ऑफिसर? खैर वो जो भी है मैं देख लूंगा, तुम परेशान ना हो। खाना। हुआ बेटा, परेशान क्यों? बस वैसे ही। कोई तो बात है, आते ही तुम कमरे में घुस गई और खाने पे भी खामोश थी, कोई परेशानी है तो बताओ। अच्छा बैठो, क्या बात? कभी कभी ऐसा क्यों होता है दादी कि हम सोचते हैं कि ये लम्हा आया तो हम मर जाएंगे, लेकिन जब वो वक्त आता है तो हमें हिचकी भी नहीं आती। ऐसी भी क्या बात है बेटा? मैं
हमेशा सोचती थी कि अगर रायत मेरे सामने आए तो मैं बेहोश हो जाऊंगी, लेकिन रायत मियां से मुलाकात हुई थी? नहीं नहीं, मुलाकात नहीं हुई। अभी तो तुम कह रही थी कि मिले थे। रास्ते में नजर आ गया था और देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि वो चेहरा तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था दादी, उसे तो मेरी आंखों ने खूबसूरत बना दिया था। भूल जाओ बेटा, अपनी नजर भी आए तो मुंह फेर लेना। आप परेशान मत हो, अब इन आंखों में कोई सूरज नहीं जिसे देखकर मेरी नजर झुक जाए। परेशान मत हो बेटा, सब ठीक कर देगा अल्लाह। अल्लाह ने वाकई सब बेहतर कर दिया मेरा बच्चा। क्या बात है, घर में इतना शोर क्यों हो रहा था? कुछ नहीं, बस वो ऑफिस के मामलात की वजह से। अच्छा, मुलाजिम तो बता रहे थे कि रायत चीख रहा था। मैंने कहा ना, ऑफिस की वजह से अपसेट है। हैरत है। इसमें हैरत की क्या बात है? नहीं, एक्चुअली जायद इतनी आसानी से परेशान नहीं होता ना। ऑफिस का कोई बहुत बड़ा मसला होगा जिसकी वजह से वो इतना परेशान है। हाजरा, हमारी इज्जत दांव पर लगी हुई है, इससे ज्यादा परेशानी की कोई बात हो सकती है क्या? मैं सोच रही थी कि हो सकता है डेट आगे बढ़ाने की वजह से सारा और उसके घर वालों ने शायद रायत से कुछ कह दिया हो। सारी मेडिसिंस फेंक दी तुमने? मेरी मर्जी। रायत, पागल नहीं हूं मैं बेटा, ये सब ज़हनी सुकून के लिए है। और मेरा ज़हनी सुकून इन मेडिसिंस में नहीं है मॉम। रायत बस, फिर वही बातें। वो बात नहीं है, अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखता है। क्या साफ साफ? सब कुछ। क्या सब कुछ बताओ मुझे बेटा। मुझे तुम्हारी बातों से ना बहुत डर लग रहा है। अगर आप चाहें मैं आपका डर दूर कर सकता हूं। कैसे? एक सवाल का जवाब दे दे। कौन सा सवाल, बोलो। आपने क्यों कहा था कि वो मर गई है? कौन कौन मर गई? क्या क्या कहा था मैं? माँ पर जवाब देना, आपने क्यों कहा था कि वो मर गई है? माँ पर क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए क्योंकि उसे मैंने जिंदा देखा है मॉम। रायत,
पारा वाकई मर चुकी है। वो नहीं मरी मॉम, मैं उसे खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। कहाँ देख लिया तुमने उसे? तुम तो ग्रैंड लैंड बिल्डर्स गए थे ना फरीद साहब के साथ किसी से मिलने। हाँ मैं गया था, और जिससे मिलने गया था वो कोई और नहीं माँ पारा ही थी। उसने हमारे सारे पिछले ब्लंडर्स निकाल के हमें डिफेम किया, और आपको क्या लग रहा था कि आप मुझसे झूठ बोलेंगी तो मेरी नफरत उसके लिए कम हो जाएगी? अरे झूठ नहीं बोला, वो वाकई मर चुकी है। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? देखो बेटा, तुम्हें ना माँ पारा ने बहुत तकलीफ दी थी, तुम्हारे जज्बात का मजाक उड़ाया था, इसलिए तुम्हें हर बदनाम करने वाला, हर तकलीफ देने वाला माँ पारा दिखाई दे रहा है। मैं कोई साइको पेशेंट नहीं हूँ, वो वही थी, मैंने उसे देखा, वो मरी नहीं है। राइट प्लीज, वो मर चुकी है। अगर वो जिंदा भी होती तो क्या किसी इस तरह की मल्टीनेशनल में काम कर रही होती? अरे उसे तो अपने टीवी और फैशन के अलावा किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं था। मॉम प्लीज यकीन करें, वो मरी नहीं है। इनफ, बस। राइट प्लीज, मर गई है वो। और तुम कल मेरे साथ ना डॉक्टर के पास चलो, तुम्हें वाकई ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैं आपसे बात कर रहा हूं मिस। आप मुझसे बात नहीं कर रहे, अपने मतलब से कर रहे। तुम जिंदा हो? क्यों? अफसोस हुआ देखकर? तुम तो मर गई थी। तो आप यहां मुझे ये बताने आए हैं कि मैं मर चुकी हूं? वाकई रंग महल में रहने वाली माँ पारा को तुम सबने मिलकर मार दिया था, लेकिन आज जो माँ पारा तुम्हारे सामने खड़ी है वो एक मेहनतकश बाप की बेटी है। मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही या जानबूझकर झुठला रही है? जल्दी जल्दी में रहती हो ना, नाश्ता कर रही हो ना, खाना लिया है तुमने? दादी पहले ही इतनी देर हो गई है, आंख भी नहीं खुली और आपने भी नहीं उठाया। जब सारी रात बिस्तर पे करवटे लेती रहोगी तो आंख कैसे खुली? सलमा मेरा बैग लेकर आओ। जी बाजी लाई। अच्छा एक दोस्त तो खा लो, खाली चाय तो मैदा जला के रख देगी। दादी आप तो मुझे आज भी बच्चों की तरह ही ट्रीट करती हैं। अगर रहमत जिंदा होता ना, यूं गरम गरम पानी उंडेलता देख के मेरी जान खा जाता। मैं चलती हूँ दादी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बाजी के अम्मी अबू का इंतकाल कब हुआ था? अरे अब रहने दो, गड़े मुर्दे ना उखेड़ो। आप लोगों के रिश्तेदार रहते हैं कराची में? मेरा मतलब है बाजी की मंगनी मंगनी की हुई है? अरे अभी तक तो पढ़ती रही है, मौका ही नहीं मिला, अब देखूंगी। मेरी खाला बड़े अच्छे रिश्ते कराती हैं, अगर आप कहें तो मैं बात करूं उनसे। अरे रहने दो, अपने ही जैसे कराएगी। अरे नहीं अम्मा जी, बहुत अमीर घराने के बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं उनके पास। अमीर तो नहीं चाहिए सलमा, अपनी जरूरत का पैसा तो मेरी बच्ची खुद ही कमा लेती है। बस मोहब्बत करने वाले और इज्जत करने वाला खानदान। मैं तो बात करूंगी उनसे।
वाकई मर चुकी है। वो नहीं मरी मॉम, मैं उसे खुद अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। कहाँ देख लिया तुमने उसे? तुम तो ग्रैंडलैंड बिल्डर्स गए थे ना फरीद साहब के साथ किसी से मिलने। हाँ मैं गया था, और जिससे मिलने गया था वो कोई और नहीं मां पारा ही थी। उसने हमारे सारे पिछले ब्लंडर्स निकाल के हमें डिफेंड किया, और आपको क्या लग रहा था कि आप मुझसे झूठ बोलेंगी तो मेरी नफरत उसके लिए कम हो जाएगी? देखो बेटा, तुम्हें ना मां पारा ने बहुत तकलीफ दी थी, तुम्हारे जज्बात का मजाक उड़ाया था, इसलिए तुम्हें हर बदनाम करने वाला, हर तकलीफ देने वाला मां पारा दिखाई दे रहा है। मॉम प्लीज, मैं कोई साइको पेशेंट नहीं हूं, वो वही थी, मैंने उसे देखा, वो मरी नहीं है। अच्छा खासा शादी हो जाती, सारा खुद संभाल लेती, अब किससे कहूं? सुहेल से कहती हूं तो वो तो फौरन हाजरा को बता देगा। और हाजरा तो मौका ढूंढती है कि कोई कमजोरी हाथ आए और वो सारा के घर पहुंचा दे। क्या करूं, सारा से बात करती हूं, वो खुद संभाल भी लेगी और कहीं और से पता भी नहीं चलेगा। रायत, कहाँ जा रहे हो बेटा? काम है। रात को तुमने मुझसे वादा किया था कि आज तुम मेरे साथ डॉक्टर अंजुम के पास चलोगे। मॉम मैं कोई पागल नहीं हूँ जो मुझे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े। बेटा डॉक्टर साहब से मिलना है, ट्रीटमेंट नहीं करवाना। तो मैं क्या करूंगा मिलके? बात करना, इंसान अपने दिल की बात किसी से करता है तो दिल का बोझ हल्का होता है। वो ही करने जा रहा हूं। रायत, रायत, सोहेल, प्लीज रायत को रोको। अरे मॉम क्या हो गया, जाने दे, सारा से मिलने जा रहा होगा। सारा से मिलने नहीं जा रहा, वो इसके सामने कुछ कहूंगी तो ये तो पूरे शहर में ढंडोरा पीट देगी। मॉम, वो बेटा कुछ ऑफिस के इश्यूज थे। मॉम आप परेशान ना हो, मैं बात करूंगा उससे। और आप मुझे बहुत अपसेट लग रही हैं, आप रात भर जागती रही हैं क्या? तबीयत ठीक है आपकी? नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, बस वैसे ही जरा सर में कुछ दर्द सा है। खैर मैं जरा तुम्हारे डैड को देख लूँ। लगता है मम्मी जी रायत का मसला आपसे डिस्कस नहीं करना चाहती। इसमें डिस्कस करने की क्या बात है, ऑफिस के मामलात हैं और सबको पता है। काम का मसला? काम की बात होती तो आपसे या डैड से करता, लेकिन वो तो दिल का बोझ हल्का करने के है।
क्या बात है मैम, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आप कहें तो मेडिसिन ला दूं? नहीं ठीक है। सलार साहब आ गए? जी वो मीटिंग में हैं। कौन सी मीटिंग? मुझे तो कोई ईमेल नहीं आई। इंटरनल मीटिंग मैम, असल में शाहिद साहब आपसे बहुत नाराज़ हैं, इसलिए शायद उन्होंने आपको नहीं बुलाया होगा। नाराज़ वो क्यों? ज़्यादा तफसील तो मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन मैंने उन्हें कहते हुए सुना था कि बिल्डर्स को लेकर जो इन्फॉर्मेशन आपके पास थी आपको उनसे शेयर कर लेनी चाहिए थी, ना कि प्रेस के सामने बहस करनी चाहिए थी। मैम आप समझ रही हैं ना, आइंदा बिल्डर्स को लेकर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप शाहिद साहब से ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। अरे छोड़ मुझे, ऐसे अंदर नहीं आ सकते। मैडम इनको बड़ी रोकने की कोशिश की है मैंने, लेकिन रहने दें, ये हर जगह अपने बाप की जागीर समझते हैं। आप जाइए। मेरे बाप तक मत पहुंचना, सुना तुमने? क्यों, बाप का नाम सुनकर तकलीफ होती है? तकलीफ तो मुझे तुम्हें जिंदा देखकर हो रही है। जरूर होती होगी, आपकी कोशिश जो पूरी नहीं हुई। आपको लगा कि अब मैं जिंदा कहां रहूंगी? अरे तुम जैसे लोग इतनी आसानी से मरते नहीं हैं। ठीक कह रहे हैं आप, जिन लोगों की जिंदगी आप जैसे लोग बर्बाद कर देते हैं वो आसानी से नहीं मरते। आउट हाउस से लेके यहां तक का सफर कैसे तुमने तय किया ये सब समझता हूं। आप कुछ नहीं समझते। जो लड़की एक नेकलेस के लिए खुद को बेच दे उसे मैं नहीं समझूंगा। तो फिर तो आप ये भी समझते होंगे कि ये मेरा ऑफिस है और मैं यहां से आपको धक्के देकर बाहर निकाल सकती हूँ। तुम अपनी थर्ड क्लास एजुकेशन के साथ अगर यहां पर आकर बैठ सकती हो ना तो किसी को भी सीढ़ी बनाकर क्या कुछ कर सकती होगी। क्या कहना चाहते हैं? जानना चाहता हूं कि मेरे साथ जो कुछ भी किया वो कम था? जो अब मेरे खानदान की बदनामी करवा रही हो, क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके? आप क्या, आप इस वक्त अपने आउट हाउस में नहीं खड़े, ये मेरा ऑफिस है, इसलिए तुम और तुम्हारे जैसे अल्फाजों से गुरेज करें। मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूं, आप भी मुझसे इज्जत से बात करें। अच्छा सही बात है, जानता हूं कि ये आपका ऑफिस है मैडम, मैडम महापारा, और अगर आप इतनी प्रोफेशनल बन गई हैं तो फिर मुझे जरा ये भी बता दें कि पर्सनल खार निकालना कौन सा प्रोफेशनलिज्म है। पर्सनल? ये देखिए आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट्स गिर रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं और आपको ये पर्सनल लग रहा है, तो घर जाकर पर्सनल और प्रोफेशनल की डेफिनेशन सीख कर आए। संभाल कर, आप तो अभी से लड़खड़ा रहे हैं। इन्हें एहतराम से बाहर छोड़कर आइए, इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है, सुना तुमने? ले लें सहारा, हम सहारा देने की कीमत नहीं मांगते। जानता हूं कि आप सहारे की कीमत नहीं मांगते, लेकिन सहारे देने वालों को बदनाम जरूर करते हैं। तो डिफेंड कर लेना खुद को, किसने रोका है आपको? मेरे फैक्ट्स को झुटला दें, एक बार फिर मुझे गलत साबित कर दें।
करूंगा। यही तो आता है आपको, गलत को सही और सही को गलत साबित करना। एक बार फिर मुझे गलत साबित कर दिया। करूंगा महापारा, अब तो जरूर करूंगा। सर आप चले मेरे साथ बाहर, छोड़ो मुझे। जो लड़की एक नेकलेस के लिए खुद को बेचती है उसे मैं नहीं समझूंगा। तुम अपनी थर्ड क्लास एजुकेशन के साथ अगर यहां पर आकर बैठ सकती हो ना, तो किसी को भी सीढ़ी बनाकर क्या कुछ कर सकती होगी। आपने क्यों कहा था कि वो मर गई है? कौन मर गई? क्या क्या कहा था मैं? मां पारा जवाब देना, आपने क्यों कहा था कि वो मर गई है? तुम क्यों पूछ रहे? वो इसलिए क्योंकि उसे मैंने जिंदा देखा है मॉम। रायत मां पारा वाकई मर चुकी है। वो नहीं मरी मॉम, मैं उसे खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूं। मैं पूछ रही हूं कि ये ब्रेसलेट किसका है? अरे हमारी एक मुलाजिमा थी, उसका है ये सामान। हेलो आंटी। आह हेलो बेटा। आई एम सो सॉरी, मैंने शायद आपको डरा दिया। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे आने से तो मेरे सारे डर खत्म हो जाते हैं। रियली? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इस तरह बेवक्त कॉल करके बुलवाया। नहीं आंटी, अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया। मैं तो खुद आप ही के बारे में सोच रही थी और मामा भी काफी अपसेट हैं। हाँ बेटा, बस पता नहीं क्यों अचानक इतनी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत पल्पिटेशन हो रही थी और मैं इतनी अपसेट थी कि किसी से कोई बात करने का मौका ही नहीं मिल सका। ओ आंटी, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बैठो बैठो। अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर, इसीलिए मैंने आज तुम्हें कॉल करके बुलवाया कि जो कल मुलाकात ठीक से नहीं हो सकी थी वो आज हो जाए और आज तुम हमारे साथ डिनर भी कर लो। डिनर तो हम कभी भी साथ कर सकते हैं, बस आपसे मिल लिया यही काफी है। बेटा एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पूछना था। जी पूछे। वो ये ब्रेसलेट कल तुम्हारे घर पे मुझे दिखा था, वो एक मेड थी ना, वो किसी मेड का सामान लेके जा रही थी तो ये उसमें से गिर गया था। ब्रेसलेट? हाँ देखो ये, शायद तुम्हें पता हो कि ये किसका है। मैं क्या कह सकती हूँ आंटी, एनीवेज आप क्यों पूछ रही हैं? वो दुर्दाना कह रही थी ना कि ये किसी मेड का है, शायद पुरानी कोई मुलाजमा थी। अब मैंने कहा शायद तुम्हें पता हो कि किसका है ये ब्रेसलेट। थैंक यू सारा। थैंक यू किस लिए भाभी? तुम्हें वापस देने के लिए आई हो ना, तुम्हें पता मैं कब से ढूंढ रही थी,
तुम्हारी इंगेजमेंट से। तुम ढूंढ रही थी? जी। तुम क्यों ढूंढ रही थी? मैं रात की मंगनी में बैंक गई थी। आपको याद है वहां बेहोश हो गई थी, बस उसके बाद मिला ही नहीं मुझे। भाभी अगर आप मुझे पहले बता देती कि आपका ब्रेसलेट हमारे घर रह गया है तो मैं किसी से कहकर ढूंढवा देती। इट्स ओके सारा, चीजें इतनी कीमती नहीं होती कि इतने नाजुक विषयों से सवाल जवाब किया जाए। आई एम सो सॉरी भाभी, आई हैड नो आइडिया। मुझे पता ही नहीं था आपका ब्रेसलेट हमारे घर में रह गया है, शायद किसी मेड ने उठाकर साइड पर रख दिया। और आंटी आपको जिस मेड से ये मिला है मैं उससे जरूर पूछूंगी। नहीं सारा, किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, इतनी मामूली सी चीज है। तो माओ हम डिनर का मेनू डिसाइड करते हैं, आज हम जो है तुम्हारी पसंद करेंगे। चलो आ जाओ। आंटी मैं आती हूँ।